अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दिल्ली एयरपोर्ट में दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी कहीं से भी जा रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो में जो दिखाया गया, देखें किस कदर लूट मची है दिल्ली एयरपोर्ट में। वीडियो को देखें। वो टेस्ट 72 आवर वैलिड होता है, फिर मैं अपना और भी टेस्ट करा चुकी हूँ, वो सब वैलिड था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कराओगे अगर आपने टेस्ट जल्दी में कराना है तो 4000 चार्ज लगते हैं, अगर आप 500 में कराते हैं तो आपको 6 घंटे वेट करनी पड़ेगी। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, जिसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं और कई राज्यों को अलर्ट भी कर दिया गया है। एक तरफ सरकार लोगों, तो मेरे भाइयों आपने देखा कि किस कदर की लूट मची है। अगर आप 400 में 500 में कराएंगे तो आपको 6 घंटा वेट करना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटा वेट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको रैपिड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट 1 घंटे में आती है। और ये सरकारें लूटने वाली सरकार पहले से भी थी और कोरोना के नाम पे अभी भी नई ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया उसके नाम पे भी बंदे को लूट रही है। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में उतरना चाहते हैं तो पूरी मुकम्मल जानकारी ले ले दिल्ली एयरपोर्ट को, कंपेयर कर ले कौन से एयरपोर्ट में उतरना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट में जाएँ या मुंबई एयरपोर्ट में जाएँ या साउथ की किसी और एयरपोर्ट में आप ट्रेवल करके आ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास के बंदे के पास उतने पैसे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकारें इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली एयरपोर्ट का जो मुखिया है, जो रेख देख करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को, ये उनमें शामिल होते हैं, तभी ऐसे हरकतों को अंजाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप बाहर से आ रहे ट्रेवल करके तो बिल्कुल रेडी होकर आएँ और अपने जेब में कुछ पैसे ज़रूर रख लें, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो में आप बताएं कैसा लगा कमेंट करके।